गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर 3 किया था डी वाटर फ्लैमिंगो वाली बुक से। 10-12 बच्चों ने ये लेसन समझा था, इसलिए मैं अब YouTube पर इस लॉन्ग क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ आपको। तो जिसको भी प्रॉब्लम हो वो YouTube में इस लिंक पर क्लिक करके ये लेसन भी और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी समझ ले। डीप वाटर, जैसा कि लेसन का नाम है, डीप वाटर गहरा पानी। राइटर हैं इसके डब्ल्यू ओ डगलस जो हैं, इनका पूरा नाम है विलियम ओ डगलस। इन्होंने अपने ही बचपन के एक्सपीरियंसेस को बताया है। एक्सपीरियंसेस क्या होता है? अपने अनुभवों को। When he decided to learn to swim, जब उन्होंने decide किया था swimming सीखना, learn मतलब सीखना, to swim मतलब तैरना। First of all, he told about his childhood fear of water. सबसे पहले उन्होंने अपने childhood मतलब बचपन के, fear मतलब डर, fear of water पानी के डर के बारे में बताया है। One day his father took him to the California sea beach. California जो है वो एक place का नाम है, तो यहाँ पर sea जो है वो capital होना चाहिए। किसी भी place का नाम हम लिखते हैं तो उसका first letter capital होता है। तो California के समुद्री तट पर उसे ले गए। A strong wave, एक तेज लहर came I and swept over him, और उसके ऊपर से उसे बहकर चली गई, उसके ऊपर से बहकर चली गई। His breath was gone for a moment, उसकी जो सांस है वो एक पल के लिए रुक गई। He was just 3-4 years old at that time, और उस टाइम पर राइटर की जो एज थी वो ओनली 3 और 4 ईयर्स ओल्ड थी। So this childhood fear of water remained मतलब रहा in his mind, उसके दिमाग में for many years, कई सालों तक। बच्चों के मन में अगर एक बार बैठ जाए तो वो सालों तक दूर नहीं होती। वैसा ही W. O. Douglas के साथ हुआ। When he became 9 years old, और जब वो थोड़ा और बड़ा हो गया, 9 साल का हो गया, he decided to learn to swim, उसने decide फिर से किया कि वो स्विमिंग सीखेगा। ही वेंट ऑन YMCA पुल। YMCA पुल जो है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करूं। जो ये YMCA पुल है वो एक याकिमा नाम की रिवर है जिसके ऊपर ये पुल बना हुआ है। 2 साइडेड हैं इसके, एक 9 फीट डीप और एक है 3-4 फीट डीप। बट देयर ही हैड टू फेस एन अनदर बैड एक्सपीरियंस। बैड एक्सपीरियंस मतलब बुरा अनुभव। वहाँ पर भी उसे एक बुरा अनुभव का सामना करना पड़ा। ए बिग बॉय केम देयर, एक बड़ा लड़का नियर अबाउट 17-18 ईयर्स ओल्ड वहाँ आया। ही पिक्ड मतलब उठाया, ऊपर उठाना, द राइटर अप, उसे राइटर को ऊपर उठाया एंड थ्रू इनटू द वाटर, और पानी में फेंक दिया। उस पानी में फेंक दिया जो 9 फीट डीप था, 9 फीट गहरा पानी था। उस तरफ उस लड़के ने राइटर को फेंक दिया। राइटर को स्विमिंग आती नहीं थी। द राइटर डिड ऑल हिज एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब प्रयास, टू कम अप, ऊपर आने के लिए। राइटर ने अपने सारे प्रयास किए ऊपर आने के लिए, बट फेल्ड, लेकिन असफल रहा। एट लास्ट ही फेल्ट टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ, एंड बिकेम रिलैक्स्ड, थका हुआ महसूस किया और वो रिलैक्स हो गया। ही फेल्ट एज इफ ही वॉज गोइंग टू स्लीप, उसने ऐसा महसूस किया जैसे कि वो सोने जा रहा था। सोने जा रहा मतलब बेहोशी उसे आ रही थी। बट लकीली ही वॉज सेव्ड, लेकिन भाग्यवश उसे बचा लिया गया। आफ्टर सम टाइम ही डिसाइडेड टू गेट एन एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर होता है प्रशिक्षण देने वाला, सिखाने वाला। डिसाइड किया कि वो एक प्रशिक्षित अनुभवी प्रशिक्षण देने वाले से स्विमिंग सीखेगा। हु मेड हिम अ गुड एंड कॉन्फिडेंट स्विमर, जो उसे एक अच्छा
और कॉन्फिडेंट स्विमर बना देगा। बट वेन एवर द राइटर पुट हिज फेस अंडर वाटर, जैसे ही राइटर अपना फेस पानी के अंदर डालता, हिज ओल्ड फियर केम बैक, उसका पुराना डर फिर से वापस आ जाता। वन डे ही वेंट ऑन लेक वेंटवर्थ, ये झील का नाम है वेंटवर्थ, तो W कैपिटल आना चाहिए, इन न्यू हैम्पशायर, ये भी नेम है न्यू हैम्पशायर, तो N और H कैपिटल आना चाहिए न्यू हैम्पशायर का। वहाँ जाकर उसने क्या किया, ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, 2 मील तक उस झील में तैरा। द ओल्ड फियर रिटर्न्ड अ लिटल, फिर से उसका जो पुराना डर था वो थोड़ा सा वापस आया, रिटर्न मतलब वापस आना। बट सून ऑल फियर फ्लैड एंड ही स्वैम ऑन, लेकिन जल्दी ही उसका जो डर था वो फ्लू की सेकंड फॉर्म है फ्लैड, उड़ गया, एंड ही स्वैम ऑन, और वो तैरता रहा। देन ही वेंट ऑन वार्म लेक, ये भी लेक का नाम है, तो W और L कैपिटल आना चाहिए। ही डाइव इन टू द लेक, वार्म लेक में उसने छलांग लगाई, कूदा वो।